सो विल गो अहेड विथ नेक्स्ट टॉपिक। अभी अगले टॉपिक पे जाने से पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक कवर किया था वो आपको पता होना चाहिए। तो इफ यू रिमेम्बर विच वॉज द लास्ट टॉपिक इन द लास्ट लेक्चर, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था ना ऐसा कुछ। तो याद नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। विल जस्ट वेरी क्विकली रिवाइज दैट टॉपिक। तो हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक कवर किया था मैग्नेटिक, इफ यू रिमेंबर, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास एक करंट लूप है, करंट लूप तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ लूप, एक रेक्टेंगुलर लूप दिख रहा होगा आपको, ए बी सी डी। इसमें करंट है, इट इज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और मैंने बताया था आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक कोर पे वाइंडिंग होता है जिसमें से एंटी क्लॉकवाइज करंट पास करते हो, दूसरे पे भी वाइंडिंग होता है जिसमें से क्लॉकवाइज करंट पास करते हो। जिसमें से एंटी क्लॉकवाइज करंट पास हो रहा है वो नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करता है, जिसमें क्लॉकवाइज करंट है वो साउथ पोल जैसा बिहेव करता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया नॉर्थ टू साउथ। इसमें हमको दो केसेस देखने थे, हमने एक केस लास्ट लेक्चर में कवर किया था, मैग्नेटिक फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ लूप। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये फील्ड लाइन्स है, फॉर एग्जाम्पल, तो जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी प्लेन में लूप है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ लूप। तो इस केस में हमने देखा था ये जो लूप है ए बी सी डी, इसका ए बी साइड और सी डी साइड इसका लेंथ है बी, बी सी साइड और डी ए साइड का लेंथ है ए। नाउ इफ यू रिमेंबर ये जो चार साइड्स है दे आर लाइक फोर कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और जब भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाता है, फोर्स। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर फोर्स, बिल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा। तो चारों साइड पे फोर्स लग रहा है, एक एक करके चेक करेंगे। ए बी साइड पे, ए बी साइड पे फोर्स है बी आई बी, बी क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ द साइड ए बी इज स्मॉल बी, साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे इफ यू सी मैग्नेटिक फील्ड और ए बी साइड दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर, है एंगल 90 है कि नहीं यहाँ पे, यस। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा साइन 90। तो फोर्स आ गया बी आई बी, दिस इज द फोर्स ऑन विच साइड, ए बी साइड। सिमिलरली आप बी सी साइड में फोर्स कैलकुलेट करते हो बी आई ए, ए क्योंकि बी सी साइड का लेंथ कितना है ए, साइन ऑफ जीरो, जीरो या 180 जो भी लेना ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ध्यान दो कि मैग्नेटिक फील्ड और ये जो लेंथ है ये या तो पैरेलल है या तो एंटी पैरेलल है। तो हमने लिया था जीरो, 180 लिया था, तो फोर्स कितना आ गया जीरो। देन व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस साइड डी ए, अगेन बी आई बी साइन ऑफ, अगर तुमने यहाँ पे 90 लिया है तो यहाँ पे 270 लोगे, क्योंकि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन जो था और यहाँ पे क्या है अपोजिट है। अगर आप यहाँ एंगल को मान रहे हो 90 तो यहाँ इस साइड पे एंगल को आप लेते हो 270। तो वैसे भी साइन 270 भी जीरो ही आता है, नहीं माइनस वन आता है, तो माइनस वन। तो व्हाट इज फोर्स ऑन साइड सी डी, बी आई बी इंटू साइन 270, व्हाट इज साइन 270, माइनस वन। तो व्हाट इज फोर्स ऑन साइड सी डी, माइनस बी आई बी। सिमिलरली फोर्स ऑन साइड डी ए क्या आएगा, जीरो। तो दो साइड पे फोर्स जीरो है, कौन सी दो साइड पे फोर्स जीरो है, बी सी पे और डी ए पे, और एक साइड पे फोर्स है बी आई बी और एक पे है माइनस बी आई बी। तो ये जो दो फोर्सेस है दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जहाँ पे दो फोर्सेस हो इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, और अगर वो दो अलग अलग पॉइंट पे एक्ट हो रहे हो, अलग अलग पॉइंट पे, तो दे प्रोड्यूस रोटेशन, और रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टॉर्क। इसलिए हमने टॉर्क फाइंड किया था, हमने फाइंड किया था टॉर्क। और अभी आपको बताना चाहिए टॉर्क फाइंड कैसे करते हैं। टॉर्क फाइंड करने के दो मेथड्स है, दो फॉर्मूला है, उसमें से एक ही बताया आपको मैंने, दूसरा आज बता दूंगा मैं। एक टॉर्क मतलब बेसिकली उसके दो नाम है, एक होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, एक होता है मोमेंट ऑफ कपल। एग्जाम्पल, डोर को ओपन या क्लोज करते हो तो एक ही फोर्स लगाते हो, तो जब सिंगल फोर्स रोटेशन प्रोड्यूस करे उसको क्या बोलते हो, मोमेंट ऑफ फोर्स, उसका नाम भी टॉर्क है। और वो जो टॉर्क है उसका फॉर्मूला बनता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। डोर जब ओपन या क्लोज करोगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब वो बिजागरे हिंजेस होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एग्जाम्पल देता हूँ ना, एग्जाम्पल बहुत कुछ होता है हमारे पास आसपास में टू एक्सप्लेन फिजिक्स, सिर्फ यूज करना पड़ता है उसका। इमेजिन ये एक डोर है, और इमेजिन यहाँ पे वो हिंजेस है, बिजागरे जिसको तुम बोलते हो,
अब मैं एक फोर्स लगाऊंगा तो रोटेट होगा, तो ये एक्सिस बन गया उसका। तो जहां तुमने फोर्स लगाया और एक्सिस जहां है, इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बोलते हैं मोमेंट आर्म। क्या बोलते हैं? मोमेंट आर्म। तो हमने जो टॉर्क का इक्वेशन डिराइव करने के लिए मेथड यूज किया वो मोमेंट आर्म वाला मेथड था। हमने बोला कि ये ए बी साइड रोटेट हो रहा है, इस ए बी का एक्सिस से डिस्टेंस कितना लिया हमने? ए बाई टू, क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या था? ए। तो हमने कितना लिया? ए बाई टू, इसको मोमेंट आर्म बोलते हैं। सिमिलरली जो साइड सी डी है ये भी रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है, इसका डिस्टेंस कितना लिया था हमने? ए बाई टू। तो देखो हमने लिया क्या, वैसा टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बी इज टाउ वन इक्वल टू एफ, एफ वॉज अ फोर्स, ये एफ था फोर्स, बराबर, इनटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस रोटेशन कितना है? ए बाई टू। तो टॉर्क इज फोर्स इंटू डिस्टेंस। सिमिलरली वॉट इज टॉर्क ऑन साइड सी डी? सेम थिंग, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इज एफ, डिस्टेंस इज ए बाई टू। तो दोनों साइड का मिलकर कितना टॉर्क हो गया? टाउ वन प्लस टाउ टू, बराबर। तो यह आ गया एफ ए बाई टू प्लस एफ ए बाई टू, मतलब टू एफ ए बाई टू, टू टू कैंसिल, तो एफ इंटू ए, लेकिन एफ 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 वॉज बी आई बी, तो बी आई बी इंटू ए। लेकिन वेट, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, बी इंटू ए क्या होता है? एरिया। तो बी इंटू ए क्या हो गया? एरिया, वेयर ए इज एरिया ऑफ द लूप, बराबर। तो टॉर्क क्या आ गया? बी आई ए। ये तो मैं सिंगल टर्न के लिए बोला, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि कॉइल का एक ही टर्न होगा, मे बी कॉइल में बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है। देखा होगा ना आपने कॉइल, ऐसे बहुत सारे कॉइल्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स हो। देयर आर कॉइल्स व्हिच हैज लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, ऐसे कॉइल्स होते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हो। तो टोटल अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो वॉट इज टोटल टॉर्क? एन इंटू टॉर्क ऑन ईच टर्न, तो एन वी आई ए, दैट इज टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, केस नंबर वन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ द लूप। अभी केस टू देखना है आज हमको, वी वॉन्ट टू सी केस टू। केस टू इज मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इन द प्लेन ऑफ लूप, तो केस टू उसी का केस टू, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इन द प्लेन ऑफ लूप, इज नॉट इन द प्लेन ऑफ लूप। मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अभी भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक साइड बिहेव करता है नॉर्थ पोल जैसा और एक बिहेव करता है साउथ पोल जैसा। तो ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, इट इज मैग्नेटिक फील्ड, इट इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास है एक कॉइल, लेकिन इस बार कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड सेम प्लेन में नहीं है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि मैं 3D डायग्राम को 2D पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं पहले से तुमको समझा देता हूँ, उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। पिछला केस था, ये था मैग्नेटिक फील्ड का, ये था लूप का प्लेन, XY प्लेन, और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी प्लेन में था, बराबर। अगर नोटिस करोगे इस लूप पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, क्या ड्रॉ करता हूँ? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया लूप पे तो मैग्नेटिक फील्ड और परपेंडिकुलर में एंगल कितना बनेगा? वापिस बता रहा हूँ मैं, ईजी है, बहुत ईजी है। दिस वॉज द लूप, जिस प्लेन में लूप है उसी प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है, यस और नो? अब मैं लूप पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, देखा क्या परपेंडिकुलर, वॉट इज द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द लूप एंड द मैग्नेटिक फील्ड? तो जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लूप पे कहाँ ड्रॉ किया? लूप और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल बना? 90। तो पिछले केस में लूप पे जो नॉर्मल ड्रॉ किया और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना था? 90। अब ऐसा नहीं है, अब पता है कैसा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मेरे माई फिंगर्स आर मैग्नेटिक फील्ड और ये लूप ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड, दे आर नॉट इन द सेम प्लेन, बराबर। तो अभी 90 एंगल बनेगा क्या? नहीं, सम अदर एंगल बनेगा जिसको बोलोगे थीटा, राइट? तो थीटा इज सम एंगल, रिमेंबर, गुड। तो
मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इन द प्लेन ऑफ लूप, तो मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा इसको टेढ़ा दिखाता हूँ। पिछले केस में मैंने इसको एग्जैक्ट पैरेलल दिखाया था, अभी पैरेलल नहीं दिखा रहा हूँ मैं, आई एम नॉट शोइंग पैरेलल, आई एम शोइंग लिटिल लिटिल ट्विस्टेड, तो ऐसा हो गया बराबर। और ऑफ कोर्स करंट भेजना है तो करंट यहां से इन आउट होगा, तो आपका ये जो लूप था ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ऐसा करंट जा रहा है। और जो तुमने लूप पे नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लूप पे, उसने मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाया, थीटा, कितना बनाया, थीटा। और जो एक्सिस है, किसका एक्सिस, रोटेशन का एक्सिस, वो ऐसा जा रहा है, रोटेशन एक्सिस सेंटर से पास होता है। एंड यू रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर, दिस साइड क्या था बी और ये साइड क्या था ए, रिमेंबर, ये पूरा साइड यहां से यहां तक कितना लेंथ था बी, ये कितना लेंथ था ए, तो ये लेंथ कितना हो गया ए बाई टू, और ये कितना हो गया ए बाई टू। अब ज्यादा मैं लिखूंगा नहीं, आई जस्ट एक्सप्लेन, क्योंकि हमने देख लिया लिखना कैसे है। वो ये कंसिडर अ लूप कैरिंग करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इन द प्लेन ऑफ लूप, बट मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल थीटा। मैग्नेटिक फील्ड ने थीटा किसके एंगल बनाया, विद द नॉर्मल टू द लूप। तो थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द लूप। फिर वही है, यू हैव फोर साइड्स विच आर कैरिंग करंट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, फोर्स, राइट। सिर्फ डिफरेंस ये है, सो इन दिस केस यू हैव टू अंडरस्टैंड, पिछले केस में बीसी साइड पे और डीए साइड पे फोर्स था क्या, नहीं, कितना था, जीरो। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे फोर्स बीसी साइड पे है, यस, लेकिन वो फोर्स बीसी साइड पे एक्सिस के डायरेक्शन में नीचे की तरफ है, और डीए साइड पे फोर्स एक्सिस के डायरेक्शन, एक्सिस के अलोंग है लेकिन ऊपर के डायरेक्शन में है, और ये दोनों फोर्सेस इक्वल बट अपोजिट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। क्या होता है ऐसे फोर्सेस का, कैंसलेशन, क्या होता है, कैंसलेशन। तो रिमेंबर, इस केस में बीसी साइड पे और डीए साइड पे फोर्स लग रहा है लेकिन कैंसल हो रहा है, पिछले केस में लगा ही नहीं बिकॉज ऑफ द एंगल। सो इन दिस केस फोर्स ऑन साइड बीसी एंड फोर्स ऑन साइड डीए आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एंड ये इंपॉर्टेंट है, एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस, सेम डायरेक्शन में होने की वजह से, एक्सिस के डायरेक्शन में होने की वजह से, एंड हेंस कैंसल्स आउट। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि पिछले केस में बीसी साइड पे और डीए साइड पे फोर्स ही नहीं था, इस केस में फोर्स है लेकिन वो कैंसिल हो रहा है, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। बाकी बचे दो साइड, एक फोर्स है ए बी, एक साइड है ए बी, इस पे फोर्स है आउटवर्ड डायरेक्शन में, और एक है बी सी डी, उस पे फोर्स है इनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। सो फोर्स ऑन साइड ए बी इज बी आई बी साइन थीटा, एंड फोर्स ऑन साइड सी डी इज माइनस बी आई बी साइन थीटा। तो यहां पे फोर्स बी आई बी साइन थीटा है। अब बोला कि थीटा कहां से आ गया, इसको तो बोल रहा हूं पिछले केस में थीटा कितना था, 90। तो पिछले केस में फॉर्मूला यही था, सिर्फ एंगल कितना था, 90। व्हाट इज साइन 91, इसलिए तुमने पिछले केस में लिखा नहीं, तुमने बोला बी आई बी, यहां पे थीटा केवल 90 हो रही है क्या, नहीं, तो इसके साथ में क्या लिख रहे हो, साइन थीटा, बराबर। तो रिमेंबर, यहां पे भी दो इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस है बट एट टू डिफरेंट साइड्स, तो क्या एक्ट होगा, टॉर्क, क्या एक्ट होगा, टॉर्क। सो देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन साइड, सेम मेथड, टॉर्क एक्टिंग ऑन साइड ए बी इज, कैसे फाइंड किया था, टॉर्क, फोर्स
फोर्स इनटू मोमेंटम. व्हाट इज मोमेंटम? ए बाई टू. डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन. यहाँ पे भी वही है ना, है कि नहीं? ये एक्सिस है, यस. ये पूरा साइड कितना है? ए. तो ये कितना हो गया? ए बाई टू. तो ये ए बाई टू है डिस्टेंस. तो दिस डिस्टेंस इज ए बाई टू. तो यहाँ पे भी फोर्स टॉर्क इज एफ इंटू ए बाई टू. ये पहले साइड पे टॉर्क है, टॉर्क वन. सिमिलरली टॉर्क ऑन साइड सी डी, सिमिलरली टॉर्क ऑन सी डी एस. सी डी साइड पे कितना टॉर्क है? टाउ टू. व्हाट इज टाउ टू? अगेन फोर्स इंटू ए बाई टू. सो देयरफॉर टोटल टॉर्क इज, व्हाट इज टोटल टॉर्क? टाउ वन प्लस टाउ टू, विच इज एफ ए बाई टू प्लस एफ ए बाई टू. तो देयरफॉर यू हैव टॉर्क इक्वल टू एफ ए बाई टू. एफ ए बाई टू आ गया, टू एफ ए बाई टू, टू टू कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया? एफ ए. लेकिन यहां पे एफ क्या है? व्हाट इज एफ इन दिस केस? बी आई बी साइन थीटा. वेरी गुड. इट इज बी आई बी साइन थीटा और साथ में ए. इसको ऐसा लिखू क्या मैं? बी आई बी ए साइन थीटा लिख सकते हैं ना ऐसा. व्हाट इज बी इन टू ए? एरिया ऑफ द लूप. तो बी आई ए साइन थीटा. लेकिन ये एक टर्न पे है, और अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हो तो हर एक साइड पे इतना लगेगा, तो टोटल कितना लगेगा? व्हाट इज टोटल? एन इंटू टॉर्क ऑन ईच साइड. तो एन इंटू बी इंटू आई इंटू ए इंटू साइन थीटा. ये आ गया आपका टोटल टॉर्क. अब इसी को तुम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट ठीक है, विल कीप इट लाइक दैट. वेक्टर फॉर्म बाद में लाएंगे. यहां तक क्लियर? तो व्हाट इज अ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप? जनरल फॉर्मूला एन बी आई ए साइन थीटा. अब इसका एप्लीकेशन है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में. किसमें? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, राइट. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का मैंने आपको एक रफ इंट्रोडक्शन दिया था लास्ट चैप्टर में. लास्ट मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में. और मैंने आपको बताया था, वापस बता देता हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आप टोटल, इन टोटल आप तीन ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हो, तीन, ओनली थ्री. पहला है टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, वो फाइंड करते हो यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन नेटवर्क. दूसरा है टू फाइंड आउट अननोन ईएमएफ, वो यूज करते हो बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर. और तीसरा था एप्लीकेशंस ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड इनटू वोल्टमीटर. तब मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा सा सिलेबस ऐसा डिजाइन है कि एप्लीकेशन पहले बताए और कॉन्सेप्ट बाद में बताए. तो एमीटर एंड वोल्टमीटर तुमने पहले सीखा, लेकिन एमीटर और वोल्टमीटर बनता किससे है? गैल्वेनोमीटर से बनता है. किससे बनता है? तो अगला टॉपिक है गैल्वेनोमीटर. अगर आपको याद होना चाहिए वैसे, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? शंट स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं पैरेलल में. और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? सीरीज में एक लार्ज रेजिस्टेंस लगाते हैं. नहीं याद होगा तो रिवाइज कर लो. और ये जो गैल्वेनोमीटर टॉपिक है वो तो नोट्स में है ही, बट आई हैव गिवन यू एक्स्ट्रा हैंडआउट्स. जिनको नहीं मिला, टुमारो यू विल गेट. एक्स्ट्रा मैंने सेट अभी दिया आज. एनीवेज आपको मिल जाएगा. बट रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, फिजिक्स में कोई भी थ्योरी टॉपिक हो, बोर्ड्स में लिखना है, पांच स्टेप याद रखो. हमेशा वही पांच स्टेप रहते हैं. नंबर वन इज इंट्रोडक्शन, नंबर टू इज डायग्राम, नंबर थ्री इज कंस्ट्रक्शन, नंबर फोर इज वर्किंग प्रिंसिपल और जो भी फॉर्मूला डिराइव करने हैं वो, नंबर फाइव इज मेरिट्स एंड डिमेरिट्स या फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, मतलब यूजेस. बेसिकली हम वही चार स्टेप, पांचवा तो नहीं देखेंगे क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है. तो हम देखेंगे पहला, व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर. नंबर टू वी विल सी डायग्राम. नंबर थ्री वी विल अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन. एंड नंबर फोर इज वर्किंग प्रिंसिपल एंड जो भी फॉर्मूला आएगा वो. तो सबसे पहले व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल करंट. कितना स्मॉल? माइक्रो एम्पियर के रेंज में. तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस
गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल करंट्स, वेरी स्मॉल करंट्स इन द रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर, इन द रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर। इससे बड़े करंट मेजर करने हैं तो मिली एम्पियर मतलब मिली एमीटर आता है, उससे बड़ा करना तो एमीटर आता है। लेकिन रिमेंबर, जहां बहुत स्मॉल करंट मेजर करना हो, मतलब जहां पे आपको एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, वहां पे क्या यूज होता है? गैल्वेनोमीटर। देन नॉर्मली गैल्वेनोमीटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है सस्पेंडेड टाइप, एक होता है पिवोटेड टाइप। सस्पेंडेड टाइप में भी कॉइल है, पिवोटेड टाइप में भी कॉइल है, और दोनों यूज करते हैं, बोथ ऑफ देम यूज परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। मैं आऊंगा उस पर भी। तो गैल्वेनोमीटर इज ऑफ टू टाइप्स, गैल्वेनोमीटर इज ऑफ टू टाइप्स, एक है सस्पेंडेड टाइप। मैं डिफरेंस भी बताता हूं तुमको दोनों का, सस्पेंडेड टाइप और दूसरा है पिवोटेड टाइप। अभी सस्पेंडेड टाइप मतलब क्या, पिवोटेड टाइप मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको बताया इससे पहले का टॉपिक, कॉइल इज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, था ना ऐसा? एक करंट कैरिंग कॉइल था आपके पास, कहाँ था? मैग्नेटिक फील्ड में था। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड में लटका कैसे रहेगा वो? ऐसा हवा में छोड़ दिया तो रुकेगा क्या वो? नहीं, किसी चीज को हैंग करना हो, किसी चीज को अगर सस्पेंड करना हो तो क्या करते हो? रस्सी से हैंग करो, इसको बोलते हो सस्पेंशन, सस्पेंडेड टाइप, राइट। दूसरा भी तरीका होता है, क्या होता है पता है? कील ठोकना, एक कॉइल लिया उसको कील ठोक दिया, उसको बोलते हो पिवोट करना। अब ये मेरे पास कॉइल है, मैं एक वायर से उसको सस्पेंड कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इधर एक नेल कील, एक कील ठोक दूंगा, राइट। डिफरेंस आता है सिर्फ रोटेशन में, कैसा? सस्पेंडेड टाइप में ऐसा ऐसा रोटेट होता है इनसाइड आउटसाइड, और पिवोटेड टाइप में इन द प्लेन। हमको सिलेबस में है सस्पेंडेड टाइप, वी आर नॉट सपोज टू स्टडी पिवोटेड टाइप। तो हमारे सिलेबस में कौन से टाइप का गैल्वेनोमीटर सीखना है? सस्पेंडेड टाइप। लेकिन दोनों में बोथ बोथ हैव पीएमएमसी मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल या फिर मैग्नेटिक मूविंग कॉइल, दोनों में एक परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल है। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। और गैल्वेनोमीटर के दो नाम और है वही नाम, थोड़ा अलग अलग। जैसे एक तो गैल्वेनोमीटर, दूसरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एमसीजी, क्योंकि उसके अंदर कॉइल तो मूव होता है, तो क्या बोलते हो उसको? एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और एक नाम भी है, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को या तो सिर्फ गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एमसीजी, या फिर क्या बोलते हैं? परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पीएमएमसीजी, है ना? पीएमएमसीजी। तो बोर्ड में ये चारों में से कुछ भी पूछ लिया, तीनों में से, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सब एक ही है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। फिर डायग्राम, डायग्राम इज टू सिंपल, और डायग्राम के साथ साथ मैं कंस्ट्रक्शन समझा दूंगा। मैं कंस्ट्रक्शन अलग से नहीं लिखने वाला हूँ, वो नोट्स में आपको डिटेल में दिया है, तो मैं आपको सिर्फ डायग्राम के साथ साथ कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑफ कोर्स इसके नाम में ही है सस्पेंडेड टाइप परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल, मतलब इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल। अभी कॉइल मतलब वाइंडिंग होता है, इसके ऊपर वायर बांधते हैं, उसको कॉइल बोलते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल, कॉइल, लेकिन कॉइल किसी से बना होगा ना, तो इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ कॉपर। किसका कॉइल है ये? कॉपर। किसका कॉइल है ये? कॉपर। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल मेड अप ऑफ
मेड अप ऑफ विच मटेरियल? कॉपर. तो ये कॉपर का है. इसको कुछ नाम दे देते हैं, लेट अस से ए बी सी डी. अब तुम अगर वाइंडिंग भी कर रहे हो तो नीचे कुछ फ्रेम होगा, उसके ऊपर वाइंडिंग करोगे ना. कि हवा में ऐसा भांते गए नहीं ना. तो इट कंसिस्ट ऑफ वाइंडिंग ऑफ कॉपर. लेकिन वाइंडिंग किसके ऊपर? ऑन अ नॉन मैग्नेटिक फ्रेम ऑफ एल्यूमिनियम. तो यहाँ पे एक एल्यूमिनियम का फ्रेम है, एल्यूमिनियम का एक बेस है, उसके ऊपर तुमने वाइंडिंग की. बराबर? पक्का पक्का. दिस कॉइल इज प्लेस्ड इन अ ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो यहां पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है आपके पास. और बाय द वे, अगर याद होगा, मैंने जब आपको एमीटर सिखाया था तब मैंने आपको बोला था कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ना, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. अब बोलोगे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या? आपको याद है कि मैंने आपको तीन टाइप के मैग्नेटिक फील्ड बताए हैं, याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, वो तीन तीन टाइप का हो सकता है. एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, एक होता है रेडियल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन हर जगह पे सेम हो. उसको पैरेलल वेक्टर से दिखाते हैं. जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन सेम हो, सेम, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. कभी कभी ऐसा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो सेम है लेकिन उसका वैल्यू हर जगह पे सेम नहीं है. कभी कभी ऐसा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हर जगह पे सेम है, डायरेक्शन हर जगह पे सेम नहीं है. उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यह है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यह है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. और कभी कभी ऐसा होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना, वो एक पॉइंट से या तो स्टार्ट होते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, या फिर ये एक पॉइंट के तरफ आते हैं, उसको बोलते हो कॉन्वर्जिंग. कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग फील्ड्स का कॉमन नाम है रेडियल फील्ड्स. कौन से फील्ड? रेडियल. अगर रेडियल फील्ड जनरेट करना है आपको, तो आपको जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, ये आपको बनाने पड़ेंगे कॉनकेव शेप के. और एक कॉनकेव शेप को बोलते हो हॉर्स शू, क्योंकि ये घोड़े के जूते जैसा दिखता है, राइट? तो बेसिकली ये जो तुम्हारे पास कॉइल है, इट इज प्लेस्ड बिटवीन द कॉनकेव पोल पीसेस, क्योंकि एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है. तो ये एक पीस है, ये एक पीस है. तो इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू कॉनकेव पोल पीसेस ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट. बराबर? हॉर्सशू मैग्नेट कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करता है? रेडियल फील्ड. तो यहाँ पे कौन सा फील्ड है? रेडियल फील्ड. तो रिमेंबर, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो रेडियल फील्ड है. मैं फिलहाल दिखाते वक्त इसको यूनिफॉर्म दिखा रहा हूँ, पर है वो रेडियल. अब रेडियल क्यों? क्योंकि रेडियल फील्ड में अगर आपने नोटिस किया होगा, तो ऐसा होता है, मतलब फ्लक्स ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा फील्ड लाइन्स होते हैं. तो ज़्यादा फील्ड लाइन्स होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट भी ज़्यादा होगा ना. और मैंने अभी बोला हमारे सिलेबस में कौन से टाइप का कॉइल है? सस्पेंडेड. अभी ये कि हवा में अपना लटका रहेगा क्या? नहीं. तो इसको सस्पेंड करेंगे. दिस कॉइल इज सस्पेंडेड. सस्पेंड किया, यस, दिस कॉइल सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ अ फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर. तो ये जो ऊपर वायर दिखाया मैंने, वो कॉपर का नहीं है, वो फॉस्फर ब्रॉन्ज का वायर है. किसका वायर है वो? फॉस्फर ब्रॉन्ज. कॉपर तो यहाँ पे है एल्यूमिनियम फ्रेम के ऊपर. तो दिस कॉइल इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट. दिस कॉइल इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर. बराबर? एंड द फ्री एंड ऑफ विच, इसका और एक जो एंड है, नीचे वाला एंड, यहाँ पे एक हेलिकल स्प्रिंग है. एंड द फ्री एंड ऑफ विच हैज अ हेलिकल स्प्रिंग. हेलिकल स्प्रिंग. अब हेलिकल स्प्रिंग का काम क्या है? हेलिकल स्प्रिंग के दो काम है. पहला तो अभी बताता हूँ, दूसरा बाद में बताऊंगा. तो इट सर्व्स एज इन एंड आउट फॉर द करंट. अभी तुम यहाँ से करंट भेजने वाले हो कि नहीं? क्योंकि जब तक करंट भेजोगे नहीं, इसमें टॉर्क एक्ट होगा क्या? नहीं. क्योंकि टॉर्क कब एक्ट होगा? दो चीजें, एक तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, है क्या? यस. दूसरा क्या? करंट होना चाहिए. किसमें करंट होना चाहिए? लूप में. तो लूप में करंट भेजोगे कहाँ से? तो हेलिकल स्प्रिंग के थ्रू. अगर यहाँ से करंट इन किया तो यहाँ से करंट आउट होगा.
यहां से इन किया तो यहां से आउट होगा, तो यहां से हमने हेलिकल स्प्रिंग के थ्रू करंट इन कर दिया और बाहर से वो आउट हो गया ऊपर से, बराबर पक्का पक्का राइट। तो दिस कॉइल इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ फॉस्फर कॉइन वायर फ्रॉम रिजिड सपोर्ट, द फ्री एंड ऑफ विच हैज अ हेलिकल स्प्रिंग विच सर्व्स एज इन एंड आउट फॉर द करंट, पक्का पक्का। अब गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, करंट क्या मेजर करता है भाई, कैसे करता है करंट मेजर? तो करंट मेजर करने के लिए क्या करते हैं पता है, इसके ऊपर ना एक पॉइंटर लगा देते हैं, पॉइंटर पॉइंटर, और इस पॉइंटर के नीचे एक स्केल मार्क कर देते हैं, ये जीरो लाइन हो गया, ऐसा यहाँ पे मार्किंग हो जाती है, तो इट गिव्स यू करंट। अब इंटरेस्टिंग है, इसके बाद तो इंटरेस्टिंग चीज चालू होगी अब। सो देयर इज अ पॉइंटर अटैच्ड टू द अपर पार्ट ऑफ द कॉइल राइट, ये हो गया कंस्ट्रक्शन पार्ट, बराबर गुड। अब जैसे ही करंट पास होगा तो मैं आ जाता हूं अभी वर्किंग पे, वर्किंग प्रिंसिपल एंड डेरिवेशंस। जैसे ही करंट पास हुआ इट बिकम्स अ कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और हमने अभी देखा कि व्हेन यू हैव अ करंट लूप इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या एक्ट होता है उस पर, टॉर्क। इसका मतलब एक साइड पे फोर्स है बाहर की तरफ, एक साइड पे फोर्स है अंदर की तरफ, और बाकी दो साइड पे फोर्सेस हो गए कैंसिल, तो टॉर्क एक्ट हुआ राइट। सो वी नो दैट, व्हाट डू यू नो, वी नो दैट व्हेन करंट पासेस थ्रू, स्टेडी करंट पासेस थ्रू द कॉइल, अ टॉर्क एक्ट्स ऑन इट, और ये टॉर्क जब एक्ट होगा तो ये कॉइल क्या होगा, क्या होगा, रोटेट, क्या होगा, रोटेट। अगर कॉइल रोटेट होगा तो उसके ऊपर जो पॉइंटर है वो भी रोटेट होगा, होगा कि नहीं? इसका मतलब ये जो पॉइंटर है डिफ्लेक्ट हुआ, डिफ्लेक्ट, अपनी जगह से दूसरी जगह पे गया, डिफ्लेक्ट हुआ राइट। इसलिए जो टॉर्क है जो कॉइल पे एक्ट हो रहा है उसने पॉइंटर को क्या किया, डिफ्लेक्ट किया, तो इसको बोलते हो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, क्या बोलते हो, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। सो व्हेन अ करंट पासेस थ्रू दिस कॉइल अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट्स ऑन इट व्हिच इज गिवन बाय, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज गिवन बाय, और नोट्स में सब डिटेल में दिया हुआ है मैंने, तो डोंट वरी वो तो तुमको मिल जाएगा, इधर से मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाला हूँ। व्हाट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, व्हाट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, वही जो मैंने अभी लिखा था, अभी डिराइव किया ना तुमने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, क्या क्या डिराइव किया तुमने, ये एन बी आई ए साइन थीटा, टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज एन बी आई ए साइन थीटा, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। और रिमेंबर, डू यू सी, डू यू सी, हम इस केस में मैग्नेटिक फील्ड और लूप को सेम प्लेन में ले रहे हैं कि नहीं, थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, क्योंकि लूप पे नॉर्मल ड्रॉ करते हो तुम, लूप पे नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल है 90, तो साइन 90 कितना है, हाँ तो नहीं लिखेंगे इसको 1। अब मैंने आपको बताया था कि हेलिकल स्प्रिंग का और एक काम है, वो बाद में बताऊंगा, तो अभी बताऊंगा वो। अच्छा अभी ठीक है, आप लोग ना घर पे, हर किसने ये लाइफ में प्रोसेस किया ही होगा, घर पे कपड़े सुखाने के लिए यू सी व्हाट यू डू, एक हाथ एंटी क्लॉकवाइज, एक हाथ क्लॉकवाइज, ऐसे होता है ना कि सेम डायरेक्शन में घुमाते जाते हो, नहीं ना सूखेगा नहीं कभी वो राइट, करेक्ट। और तुमने जब छोड़ दिया तो क्या होता है, जो कपड़े का पार्ट पहले क्लॉकवाइज घूमा था वो अभी उल्टा जाएगा। अब सोचो जब तुमने करंट पास किया इस पर टॉर्क एक्ट हो गया क्लॉकवाइज, ये घूम गया तो पॉइंटर भी जीरो से कुछ करंट की वैल्यू पे आ गया, मैंने करंट बंद कर दिया तो पॉइंटर वापस कहाँ जाना चाहिए, जीरो पे, कैसे जाएगा? तो जब ये कॉइल क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा था ना, हेलिकल स्प्रिंग उल्टा रोटेट हो रहा था, एंटी क्लॉकवाइज। सो व्हेन द कॉइल रोटेट्स क्लॉकवाइज द हेलिकल स्प्रिंग रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, और जैसे ही करंट बंद हुआ तो जो हेलिकल स्प्रिंग है वो क्लॉकवाइज घूमेगा, तो कॉइल को कैसा घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, बराबर। और रिमेंबर
ये रेस्टोरेंट टॉर्क प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो भी फोर्स फोर्स ऑब्जेक्ट को अपने इनिशियल कंडीशन पे वापस लेके जाए उसको बोलते हो रिस्टोरिंग फोर्स। जो भी टॉर्क कॉइल को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लेके जाए उसको बोलते हो रिस्टोरिंग टॉर्क। याद रखना ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क कौन प्रोवाइड करता है? कॉइल। कौन प्रोवाइड करता है? कॉइल। तो रिस्टोरिंग टॉर्क इज गिवन बाय, इसको टाउ सी बोलते हैं, एंड टाउ सी इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, प्रोपोर्शनल टू थीटा, प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन एंगल उतना ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क। क्यों? क्योंकि अगर कॉइल थीटा से रोटेट हुआ तो ये भी तो थीटा से रोटेट हुआ, अगर कॉइल थीटा से क्लॉकवाइज रोटेट हुआ तो ये थीटा से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, बराबर। तो यहां पे जो तुम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखोगे ना सी, इसको बोलते हैं ट्विस्ट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? ट्विस्ट कांस्टेंट या फिर टॉर्शनल कांस्टेंट। ट्विस्ट कांस्टेंट और टॉर्शनल कांस्टेंट, ट्विस्ट कांस्टेंट और टॉर्शनल कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट ऐसा लिखते हैं इसको, बराबर, पक्का पक्का। अब आइडियली सोचो, जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ने कॉइल को रोटेट किया क्योंकि करंट पास हो रहा था, करंट बंद कर दिया तो क्या होना चाहिए? वापिस अपनी जगह पे जाना चाहिए। मतलब ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम, बराबर। नहीं हुई अगर, समझो ये ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो ये जीरो के पीछे जाएगा, नेगेटिव साइड चला गया। ये कम हुआ तो ये जीरो तक कभी पहुंचेगा ही नहीं, इसलिए दोनों क्या होना चाहिए? सेम। तो अंडर इक्विलिब्रियम, अंडर इक्विलिब्रियम यू शुड नो दैट रिस्टोरिंग टॉर्क एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क शुड बी सेम। व्हाट इज रिस्टोरिंग टॉर्क? सी थीटा। व्हाट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क? एन बी आई ए, सही है, एन बी आई ए। तो यहां से तुमको मिल गया आई का इक्वेशन, करंट आई इक्वल्स टू सी थीटा बाय एन बी ए, सी थीटा बाय एन बी ए। अब थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना, पहला क्वेश्चन तो ये था कि तुम करंट मेजर किससे कर रहे हो? पॉइंटर से। किससे? पॉइंटर से। और पॉइंटर से क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि जैसे मैंने करंट पास किया तो पॉइंटर डिफ्लेक्ट हुआ बाय सम एंगल, है ना। लेकिन एंगल तुमको करंट क्यों देगा? क्यों देगा? क्योंकि यहां देखो करंट, ये कांस्टेंट है कि नहीं? ये भी कांस्टेंट है कि नहीं? हाँ। तो करंट किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया? थीटा। क्योंकि करंट का इक्वेशन में यू सी दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, इसका मतलब तुम एंगल यूज करके करंट मेजर कर सकते हो। अगर वैसा नहीं आता तो नहीं चलता। तो अगर आपको एक फिजिकल पैरामीटर मेजर करना है यूजिंग अदर, तो ये कंडीशन होनी चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होनी चाहिए? अगर नहीं है तो नहीं मेजर होता है। रिमेंबर, करंट इज अनदर फिजिकल क्वांटिटी, एंगल इज अनदर फिजिकल क्वांटिटी, दोनों सेम क्वांटिटी है क्या? नहीं। तो तुम जैसे डिस्टेंस यूज करके वेलोसिटी फाइंड होता है ना, डी एक्स बाय डी टी करके, होता है कि नहीं? वी इक्वल टू क्या होता है? डी एक्स बाय क्यू क्यू फाइंड हो पाता है? क्योंकि वी एंड डिस्प्लेसमेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट। वी यूज करके ए फाइंड करते हो, कैसे फाइंड करते हो? डीवी बाय डी टी। क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि ए इज प्रोपोर्शनल टू वी। तो एंगल यूज करके करंट मेजर कर पा रहे हो? हाँ। क्यों कर पा रहे हो? बिकॉज आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। पक्का पक्का, गुड गुड। तो ठीक है, विल स्टॉप हियर फॉर टुडे।